आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो मीडिया में घूम रही हैं विच आर जस्ट बेसलेस एंड वेरी स्टूपिड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम में से ही इट्स वेरी वेरी सैड कि हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रत्युषा'स डेथ एंड गॉन अहेड एंड डन द अनथिंकेबल. देर इज़ अ वुमन जो उनकी माँ के रोने की रिकॉर्डिंग एक न्यूज़ चैनल पे देती है. माँ रो रही है एंड इंडिया इज लिसनिंग टू इट. नो वन केयर्स व्हाट इज रियली हैपेंड बट वन ऑफ अस देर इज अ सेलिब्रिटी हुज़ गॉन अहेड एंड डन दिस. प्रत्युषा की डेड बॉडी होती है अंदर और वो लोग जाते हैं सीक्रेट कैमरा से उसको कैप्चर करते हैं एंड मेक्स इट अ लाइव टेलीविजन फॉर एवरीवन एल्स टू सी. इट इज डिसगस्टिंग. एवरी सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट्स कमिंग एंड गिव्स अ कोटेशन सेइंग प्रत्युषा को प्रॉब्लम था ये इशू था. प्रत्युषा जो लड़की थी जो नहीं थी वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो किस तरह की लड़की थी. बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें जो राहुल ने बोली हैं और वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्रॉम द पीपल who knew Pratyusha day in and day out because उसके mom and dad यहाँ नहीं रहते थे. कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको भी नहीं पता हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो सामने आए. Our lawyers there who is going ahead and will also explain you a lot of things जो कि अब हम लोग एक एक करके अपने statements पुलिस को देने वाले हैं जिससे काफ़ी clarity आएगी इस case के अंदर कि exactly क्या चल रहा था. जहाँ राहुल ने ये बोला है कि What was the last thing he said under? राहुल ने कहा है कि वो रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा था और वो शादी करने वाले थे. सबसे बड़ी बात अगर रिलेशनशिप अच्छा था और शादी करने वाले थे तो प्रत्युषा की डेथ कैसे हो गई? Yeah, as a, like I was watching in one of the news कि उनके पेरेंट्स ने कुंडली निकाल ली थी. See, Pratyusha was a very middle class girl who had very simple things that she wanted. वो एक शादी करके घर बसाना चाहती थी और अगर उसे वो चीज़ मिल रही होती तो आई डोंट थिंक एक्चुअली वो प्रत्युषा यहाँ बैठी होती. वो यहाँ से कहीं गई नहीं होती. सो अगर राहुल बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट लाइफ थी उनकी और उनकी रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं था तो आई डोंट थिंक प्रत्युषा की डेथ हुई होती. और जिस तरह से प्रत्युषा को डिप्रेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया जा रहा है वो बहुत ही नॉनसेंसिकल है. प्रत्युषा बनर्जी कभी भी घर पे नहीं बैठी. शशांक कितने टाइम बैठा है घर पे? मेरे को आज 8 महीने हो गए. 8 महीने और मैंने साथ में काम किया उसके. मुझे पता है कि हमारे फाइनेंस को लेके लाइफ को लेके काफ़ी बातचीत होती थी और जहाँ तक मैंने देखा है आफ्टर बालिका शी वॉज कंटिन्यूसली ऑन टीवी. भले वो छोटा काम हो बड़ा काम हो रियलिटी शोज हो फिक्शन शोज हो कुछ भी हो लेकिन वो टीवी पर आती ही रहती थी. तो फाइनेंशियल लॉस की या उसकी शॉर्टेज की कोई बात बनती नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रत्युषा बनर्जी ने आई एम सॉरी आई एम गिविंग आउट द फिगर्स देयर शी चार्जेस फॉर अ कैमियो मोर देन अ लाख अ डे. सो अगर उसकी रिलेशनशिप से वो बाहर निकल के भी अगर फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम होती शी वुड हैव इमीडिएटली गॉन अहेड एंड डन इट. शी फिनिश्ड अ रियलिटी शो कॉल्ड पावर कपल जिसके पैसे अभी तक पूरे आने बाकी हैं. मतलब वी हैव स्पोकन टू द प्रोड्यूसर नॉट इंटायर मनी हैज बीन गिवन. देयर इज सम लास्ट पेमेंट व्हिच इज स्टिल रिमेनिंग. सो देयर वाज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम एज पीपल आर क्लेमिंग कि किसी ने 10,000 दिए किसी ने 4,000 दिए. ये इडियोसिटी है एक बहुत ही बड़े लेवल की वेयर एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे Pratyusha Banerjee as someone who was depressed, financially not in a good position. That is not the truth. She was very well to do. She was doing very well professionally. As a matter of fact, I have personally offered Pratyusha Banerjee a show. Unko show offer kiya tha jab unhone mujhse clearly kaha tha ki Vikas, main is samay personal level pe thodi si disturbed hoon. Mujhe cheeze clearly nahi samajh mein aa rahi hain. Main inko clearly solve karna chahti hoon. Uske baad professionally, I will jump into a bigger commitment. So usko Pratyusha Banerjee ko kaam ki koi kami nahi thi. Pratyusha Banerjee had earned a lot of money. Yes, all her money and all her details were being looked after by Rahul Raj. So, agar paiso ki koi kami thi, toh Rahul would be the better reason or person to tell you why there was a problem financially. Okay. Rahul
She had called a lawyer. She wanted to contact a lawyer the day when the incident had taken place on that very same day. She had an appointment with a lawyer and she had spoken and she had called from some different number and she had also told many things about Rahul and the finances and she wanted to seek legal advice and she wanted help legally because she was getting tortured some way or the other. As far as this incident has taken place, prior to the incidents, one day before, she had spoken to Lina Dias, a friend of hers, and she had narrated ki wo kis tarah ki problem se guzar rahi thi, Rahul usko kaise torture, aur main reason iske peeche hai, jo police ko investigate karna chahiye, jo abhi tak part of investigation hai, jo kuch bhi nahi ho raha hai. Hum log statements dene ke liye tayar hai, but police kisi ko bula nahi rahi hai. Saloni Sharma karke ek ladki hai. उसके बारे में स्पेसिफिकली प्रत्युषा ने एक रात पहले कहा था लीना डायस से कि वो बार बार आती है, टॉर्चर करती है, असॉल्ट करती है, धमकियां देती है और कई बार सोसाइटी में जाके उसने प्रत्युषा पे पर्सनल अटैक भी किए थे और फिजिकल असॉल्ट भी किया था और धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. उसकी वजह से भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और ये तभी होता था राहुल के एब्सेंस में. वो तभी आती थी जब राहुल घर पे नहीं होता था और राहुल को जब जब उसने बताया वो बोलता था मैं आता हूँ और वो आता नहीं था, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठता था. ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है, लिंक है, सीसीटीवी फुटेजेस है जहाँ उसको आके वो मार रही है. और लास्ट उसकी डेथ के वक्त भी एक रिलायबल सोर्स ने ये कहा है कि जब कोकिला बेन राहुल आया था तो उसके साथ में सलोनी शर्मा थी. तो ये एंगल भी है कि दोनों ने मिलके कुछ किया हो सकता है. ये पार्ट इन्वेस्टिगेशन का है. कमिंग बैक टू लॉट ऑफ थिंग्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, द पुलिस विल डू देयर जॉब व्हाट दे आर डूइंग, बट प्लीज हियर इट फ्रॉम लीना. अपने जिस दिन प्रत्युषा को डेड पाया गया था उससे एक रात पहले अराउंड 2:30 या 3 बजे रात को डिस्टर्ब्ड होके उन्होंने लीना डायस जो कि कॉमन फ्रेंड है को फोन किया था. वो कॉन्वर्सेशन लीना आपको एक्सप्लेन करेंगी कि वो क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी. आई थिंक उससे काफी क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था. जो कम लीना है